हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए नई पिक कार्ड रीडिंग। फ्रेंड्स, आपकी शादी कब होगी और किससे होगी, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स, www.magicwensterow.com। और सॉरी, मैं लास्ट दो दिन पोस्ट नहीं कर पाई। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड यू ऑल। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है हमारे, और इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था। ऑल्सो टेक्नीशियंस को आने में भी थोड़ा टाइम लगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट फाइनली सब ठीक है, देख के उन्होंने ठीक कर दिया है। सो ये वेल डन, आप सबकी दुआएं काम कर गई। पहले भी ठीक वो चल गया था, फिर उन्होंने वापस ठीक कर दिया। सो या, लेकिन अब मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। सो यस, और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग सब पॉजिटिव रह रहे हो, घर रह रहे हो, इधर उधर बिना मास्क के नहीं जाने का। फ्रेंड्स, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और इंजॉय करते रहना है। यस फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस भी है, आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी। फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज ऑप्शन नंबर वन। ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन वाला कार्ड, ऑप्शन नंबर टू ये येलो वाला कार्ड जिसपे फोर नंबर लिखा है। सो फ्रेंड्स, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। हमेशा की तरह मैं टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी फ्रेंड्स, आप वहां से देख लीजिएगा। ऑल्सो आप चाहो तो दोनों चूज कर सकते हो, दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, फ्री हो तो ज़रूर देख डालो। पॉजिटिव रहो, स्वस्थ रहो, बस यही हमारी इच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त हम सबको एज अ वर्ल्ड, हम सबको स्वस्थ रहना और खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, आइल नंबर वन आप लोगों ने जो चूज़ किया है नंबर टू, चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी, ऑल्सो हम देखेंगे किससे होगी। सो लेट्स सी, ये आपके लिए एडवाइस हैं, एक्स्ट्रा ओरेकल मैसेजेस हैं, अभी देखेंगे शॉर्टली हम। पहले देखते हैं कि किससे होगी और कब होगी आपकी शादी। फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी हर्ट लग रहे हो, किसी ने आपको धोखा दिया है इश्क मोहब्बत और प्यार के अंदर, किसने दिया ये धोखा? मोहब्बतें, आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को मोहब्बतें पसंद है फ्रेंड्स, पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो ये मूवी कभी नहीं देखी है, बट ये बहुत स्ट्रेंज रिमाइंडर आया है कि मोहब्बतें इज़ इम्पॉर्टेंट। शायद कोई कनेक्शन है मोहब्बतें मूवी से या इस वर्ड से, या वहाँ जो एक्टर्स उसमें हैं उनसे आपका कोई कनेक्शन, यू नो, कुछ रेफरेंस है। पहली चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, आपको काफ़ी धोखे मिले हैं इश्क में, मोहब्बत में। अभी भी आप किसी ब्रेकअप से रिकवर कर रहे हो, या किसी की, यू नो, आप किसी से शादी करना चाहते थे, वो नहीं हो पाई। सो आर डेफिनेटली हर्ट फ्रेंड्स। ऑल्सो ये पायल उन लोगों की भी लग रही है जो काफ़ी लंबे समय से सिंगल हैं, 3 साल, तेरह साल, 3 साल या ज़्यादा सालों से सिंगल हैं। सो यू आर लाइक, ओहो अति हो गई, अब तो बस कर दो। ओके, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स थोड़े से निराश तो हो आप लोग, बट लेट्स सी। ऑलराइट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं मिलने वाला, या आपको ऐसा कुछ ऐसा ज़रूर मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग या तो नेगेटिव लोग अपनी, ऐसे लोग अट्रैक्ट कर देते हो अपनी लाइफ में जो कि आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसी, सराउंडिंग्स आपकी जो है, जैसे आप जिस घर में रहते हो या आपका जो रिलीजन कल्चर है या जो जहाँ जैसे आप रहते हो, वो चीज़ आपको प्यार, आपकी लाइफ में प्यार या शादी आने से रोक रही है। सो समवेयर यू फील कि कोई एक्सटर्नल ब्लॉक है जिसकी वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। स्पेशली जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है, इट फील्स लाइक कि कुछ चीज़ें आप परेशान हो किसी चीज़ से, ब्लॉक्ड है कोई चीज़, जैसे आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही। स्पेशली मुझे लग रहा है पाइल नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है,
आप किसी से शादी करना चाहते थे या धो वहाँ नहीं हो पाई, या आप किसी से बहुत प्यार करते थे बट वो हर्ट हुआ वहाँ आपको, तो शायद आप रेडी नहीं हो फिलहाल इस शादी के लिए या किसी भी शादी, किसी से भी शादी या रिश्ता रखने के लिए। सो या ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी कि यस मन नहीं है, प्यार में मन नहीं लगता, काम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है राइट नाउ। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस भी चल रहे हैं, यू नो, जिसको लेके आप परेशान हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली आप लोग पाइल नंबर वन, आपको फाइन, स्पेशली अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं हो। इवन अगर आप लड़की हो तो आप फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। सो इस वजह से भी आपको लग रहा है कि थोड़ी शादी बाद में कर लें या कुछ। ऑल्सो जिन्होंने हो सकता है पाइल नंबर वन चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी यंग हो, बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी छोटे हो, यंग हो, सो थोड़ा अभी वक्त है शादी के अंदर, यू नो देर इज़ सम टाइम शादी होने में आपके, या आप चाहोगे कि आपकी शादी जब हो, जब आप थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल या सिक्योर हो। तो ये वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे मेनली। ऑल्सो आई फील कि कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, यू नो, जैसे आप इमोशनली भी रेडी नहीं हो फिलहाल, इस वजह से भी, यू नो, जो वेन वाला क्वेश्चन है, वेन यू विल गेट मैरिड, तो वन ऑफ द रीजन्स इज़ के अभी आप रेडी नहीं हो फ्रेंड्स, इमोशनली बोलें या फाइनेंशियली बोलें। अगर कुछ लोग तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं, यंग हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किए, या जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, आई फील काफ़ी सारे छोटे यंग लोग जो हमारे हैं, स्वीट वाले क्यूटी क्यूटी बच्चे, हमारे क्यूट लोग, आप सभी क्यूट हो बट लाइक छोटे बच्चे जो, या छोटे जो यंग हैं लोग, काफ़ी जो अभी पढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट्स द रीज़न आपकी शादी अभी नहीं हुई है, बिकॉज यू आर स्टडिंग, या आपको थोड़ा अभी, यू नो, पैसे और कमाने, स्टेबल होना है फाइनेंशियली। इमोशनली भी थोड़े से ब्लॉक लग रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कहीं से धोखा मिला है, थोड़ा सा आपका मन उठ गया है शादी से, प्यार से, मोहब्बत मोहब्बतों से बार बार ये वर्ड आ रहा है, क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मोहब्बतों से आपका क्या क्या चल रहा है। आई थिंक कोई गाना दिखता है वहाँ का जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है कौन से गाने थे मोहब्बतों में, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स, जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है वो काफ़ी गिविंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और काफ़ी यू नो फाइनेंशियली सिक्योर होंगे। सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको गिव नहीं करते हैं, या आपसे लेके ही चले जाते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, या पैसा है, या ट्रस्ट है, या जो भी है, आपको धोखे काफ़ी मिले हैं, आपके सनम बड़े बेवफा रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन जिनसे आपकी शादी होगी वहाँ पर आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं, कंग्रेचुलेशंस। आई ऑल्सो फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, वो पर्सन काफ़ी गिविंग है, काइंड है, और दे आर वेरी रिच, और इनसे आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से आप लोग मिलोगे और आप लोगों में एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा, मिलते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अभी तक या बाकी किसी के साथ क्यों नहीं चल पाया, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में चीज़ें मेंट टू बी है, ये कनेक्शन या ये शादी। ऑल्सो आई थिंक आप लोग ऐसे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो बोलते नहीं है कुछ, पता नहीं ऐसा लग रहा है, या तो आप शाये हो, कम बोलते हो, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, यू नो, जो बोलते नहीं है कुछ, यू नो, एक होता है कि हम तो कम ही बोलते हैं, हम क्या बोले, यू नो, होते हैं जो कम बोलते हैं लोग, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है इस मोहब्बत प्यार में कि कोई कम बोल रहा हो, क्योंकि समझ नहीं आता कि आदमी को इंटरेस्ट नहीं है या ये बोल ही नहीं, कम ही बोलते हैं, अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। सो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप जितनी बातें करते हो ये बहुत बातें करते हैं, आप देख रहे हो मैं कितना बोल रही हूँ, ये पर्सन भी बहुत बोलने वाले हैं, बहुत बातूनी है, खुश मिजाज हैं, और आपको अच्छा लगेगा, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लॉयल भी हैं, और आपका इनसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी फ्रेंड्स। थ्री ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये शादी आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन लेके आएगी, ये शादी आपको यू नो एक नॉट जस्ट आपकी लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी सोच को भी बदलेगी, जो अभी आपकी एक नेगेटिविटी ब्लॉक्ड सोच है वो भी चेंज हो जाएगी, आपके जो सोचने का आपका दिल है वो खुलेगा, दिमाग खुलेगा, सो यू नो इट विल बी अ गुड मैरिज फॉर यू, अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगी इस शादी की और इस पर्सन की आपकी लाइफ में। आई डू फील ये लॉन्ग डिस्टेंस से है कनेक्शन, ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, किसी अलग सिटी कंट्री में रहते हैं, ऑल्सो हो सकता है ये आप दोनों सेम कंट्री या सिटी से हों, लेकिन जब आप मिलोगे फॉर जॉब या कुछ पढ़ाई के लिए ये बाहर गए हुए हैं,
और सो आप इस पर्सन से हो सकता है फ्रेंड्स अपने स्कूल कॉलेजेस में मिले हो, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है, बहुत यंग एनर्जी. तो आप हो सकता है जब रीडिंग देख रहे हो आप बहुत यंग हो, सो दैट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल. सो ये पर्सन भी पढ़ रहे हैं, सो यू नो इनको थोड़ा टाइम चाहिए फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने का. ऑल्सो आई फील ये पर्सन काफ़ी मॉडर्न या प्रोग्रेसिव ख्यालों के होंगे, यू नो इन द सेंस के ये ना ऐसे नहीं होंगे कि आप मत काम करो, ये मत करो, वो मत करो. ये पर्सन काफ़ी हेल्पफुल हैं, यू नो खुश मिजाज हैं और मॉडर्न हैं और ज़्यादा यू नो कि आप कर रहे हो लाओ मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, मिल के करते हैं, साथ करेंगे, अकेले क्यों करना है, यू नो. सो दिस पर्सन इज़ नाइस और काफ़ी लॉयल लग रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा इनके साथ. नंबर थ्री इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है मार्च और अप्रैल की भी एनर्जी है. सो ये पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं या एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाय हो सकते हैं. लेट्स सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आई डू फील फ्रेंड्स के यस आई डू फील अभी तक आपको ना काफ़ी काफ़ी आपकी शादी मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, यू नो आप हाउ डू आई सी दिस. पहली चीज़ तो आपको ना एक आपको लॉसेस काफ़ी लगे हैं फ्रेंड्स, या तो फाइनेंशियल हैं या इमोशनल हैं, उनसे आपको निकलने के बाद आपकी शादी होगी. सो अगर आप व्हेन का पूछोगे, व्हेन यू विल गेट मैरिड, इट इज़ जब आपने एक विक्ट्री अपनी लाइफ में, एक जंग जीत ली हो, जंग कहें या एक छोटी सी यू नो पर्सनल विक्ट्री, जैसे आपका कॉन्फिडेंस कम था, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा तब आपकी शादी हो गई, या जैसे आपकी शादी होने वाली थी यू नो, तो यू फेल्ट यू ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी अच्छा फील करने लग रहे होगे जब आपकी शादी होगी, यू नो एक विक्ट्री के टाइम आपकी शादी होगी, जब आप किसी अच्छे एक जंग जीत के आए हो, यू नो तो जो तभी आपकी शादी होगी फ्रेंड्स. आई डेफिनेटली फील दैट वे. जब आप जैसे आपका अभी दिल टूटा है, तो यस अगर ऐसा अभी हो रहा है आपके साथ, तो जैसे ही आप हील करोगे द नेक्स्ट रिलेशनशिप प्रॉबेबली उनसे आपकी शादी हो जाए या अच्छे चांस रहेंगे शादी के. अनदर थिंग आई फील कि आपको इनसे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. ये पर्सन ट्रस्टवर्दी होंगे, लॉयल होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, कम्युनिकेट भी अच्छा करेंगे. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशंस हैं, यू नो एक्सप्रेशंस हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यू नो काफ़ी मतलब क्लियर होंगे ये पर्सन अपने गोल्स को, चॉइसेस को लेके, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा. जैसे कुछ लोग होते हैं बताते नहीं हैं क्या चल रहा है, इमोशनल हैं, ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है. ये पर्सन क्लियर हैं, भाई ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ज़्यादा चॉइसेस नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं. अनदर थिंग जो मुझे लग रही है, ये लॉयर हो सकते हैं पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजिशियन, यू नो कोई मेडिकल उस फील्ड से हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर, टीचर हो सकते हैं ये पर्सन. सो डेफिनेटली वो सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट एल्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स. सो यार आई फील आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से या बहुत ही खास एक पर्सन जिसे आप प्यार करते हैं उनसे शादी करना चाहते हो. सो अगर ये उनकी पर्सनैलिटी इस पर्सन से मैच कर रही है, तो यस उनसे आपकी शादी होगी. बट मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है फ्रेंड्स. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, होप छोड़ दिया आपने कि नहीं होगी हमारी शादी, या आप लोग सिंगल हो बहुत टाइम से, तो यू आर लाइक ना इट वोंट हैपन नाउ. बट आई फील कि यस आपकी शादी होगी, जल्द होगी. और व्हेन अभी हम देखते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ किससे होगी आपकी शादी, फिर व्हेन पे जाएंगे. आई डू फील कि ये काफ़ी रिच पर्सन है फ्रेंड्स, या ये यू नो बहुत उदार हैं, काइंड हैं, यू नो. सो जब आपकी वेडिंग पार्टी होगी बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी, आप बहुत खुश फील करोगे, दोनों फैमिलीज दोनों तरफ से खुशी होगी, यू नो खुशी का माहौल होगा, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन होगा आपके लिए. और एक आपको ऐसा लगेगा कि येस यू हैव वन, यू नो आपने कुछ जीता है, कुछ हासिल किया है, क्योंकि बहुत सब्र के बाद आपको ये जो यू नो एक नूर है या एक अब्र है वो मिला है. सो इट इज़ ये विक्ट्री बहुत टाइम के बाद मिली है, सब्र हार्ड वर्क लगाए. आई डू फील आप लोगों को अपना करियर अकेले, जैसे अकेले हैंडल करनी पड़ी चीज़ें, अकेले आपने अपने आप को संभाला या अपने फाइनेंसेस को, तब जाके आपकी मैरिज होगी. स्पेशली अगर आप यंग हो तब तो आपकी पढ़ाई जब, या जैसे फाइनेंशियली आप अर्न करोगे तब होगी.
बट ये शादी आपको बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव इफेक्ट लाएगी। चैरियट यस, ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं या आप दोनों ट्रैवल के थ्रू मिलोगे। ऑल्सो ये जो रिश्ता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, सो यू नो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एटलीस्ट आपके पर्सन को नहीं होने वाला है आपको लेके कोई कन्फ्यूजन। वो क्लियर होंगे, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ये ऐसे चाहिए वैसे, यू नो दे आर वेरी क्लियर, वेरी लॉयल, वेरी एक्सप्रेसिव। आई ऑल्सो फील के हो सकता है इस पर्सन का ट्रैवलिंग जॉब हो मार्केटिंग वगैरह में, तो ये ट्रैवल काफ़ी करते हैं फ्रेंड्स, सो वो चीज़ ज़रूर रहेगी कि आप दोनों या तो मिल के ट्रैवल करोगे या ये इनको करना पसंद है या करना पड़ता है। एंड नाइन ऑफ कप्स, वाओ, ये शादी आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस ला के देगी फ्रेंड्स। जो सारे अभी गम और आपके शिकवे हैं सब मिट जाएंगे, गिले और शिकवे सारे दूर होंगे, और बिल्कुल ये एक मुआवजा की तरह है आपके लिए ये शादी, यू नो एक मिरेकल है, बहुत आपको खुशी देगी फ्रेंड्स। यू नो दिस विल आपको एक हीलिंग देगी, और देखिए कार्ड भी ग्रीन है, हीलिंग का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये शादी से आप काफ़ी खुश रहोगे। इनफैक्ट आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, आप दोनों को काफ़ी इनफैक्ट, और एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आप सोच रहे हो इतनी खुशी हमारी लाइफ में नामुमकिन, ऐसे नहीं कहना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज आई फील ये होगा आपकी लाइफ में और बिल्कुल होगा। एंड आई थिंक आप लोग ये पर्सन आपको ना एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेंगे आपके साथ, यू नो के काफ़ी हंसी मजाक है, खुशी है, सोशलाइजिंग, पार्टीज़, यू नो इनका काफ़ी, यू नो आपका हो सकता है ये ऐसे वर्क में है जहाँ इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा रहेगा, तो पार्टीज़ हैं, बातें हैं, मिलना है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, बड़ी फैमिली से आते हैं, सो यू नो काफ़ी मेम्बर्स हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा हलचल हमेशा रहेगी, पॉजिटिव हंसी मजाक वाली अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। इनफैक्ट आपने अपनी लाइफ में जितनी रिलेशनशिप्स या लोग मिले हैं आपको, उनसे बेहतर आपका प्यार और मोहब्बत रहेगा इस पर्सन के साथ जिनसे आपकी शादी होगी। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स व्हेन यू विल गेट मैरिड, फिर उसके बाद और कार्ड्स देखेंगे। वाओ द वर्ल्ड, आई डू फील फ्रेंड्स जब आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा ना, यू नो तब आपकी शादी होगी। इनफैक्ट कैसे कहोगे, जैसे आपने स्कूल छोड़ा, आप कॉलेज या जॉब छोड़ा, आपने यू नो कॉलेज छोड़ के आप ग्रेजुएट हुए हो, आपको जॉब मिली है, तब आपके चांसेस ऑफ मैरिज बहुत स्ट्रांग होंगे। या जैसे आपने कोई साइकिल कंप्लीट की है, जैसे आप बहुत टाइम से सिंगल थे 3 साल 4 साल, तो जैसे वो आप उससे बाहर आओगे तब आपकी शादी होगी। यस आई डू फील के यू नो एक विक्ट्री के बाद आपकी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, या यूँ कहें कि आपने कुछ और सपने देखे हैं राइट नाउ कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें ये चाहिए, या हमें अपना करियर बनाना है, हमें ये गोल पे फोकस करना है। जब आप दोनों की शादी होगी, जब यू नो आप वो अचीव कर चुके हो या थोड़ा बहुत ही अचीव कर चुके हो, यू नो सम सॉर्ट ऑफ अ सक्सेस अचीव कर चुके हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या कोई रिकवरी है हेल्थ में, या यू नो आप ऐसे फील करो हैप्पी हैप्पी, तब आपकी शादी होगी। सो देयर इज़ अ विक्ट्री देयर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस आई डू फील फ्रेंड्स के ये बहुत लकी कनेक्शन है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत लकी है, और आई डू फील ये कनेक्शन के बाद आपका लक चेंज होने वाला है। आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यस चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पैसे भी बहुत आएंगे, काफ़ी आप लोग ट्रैवल करोगे, यू नो लाइफ में कंफर्ट लेवल बढ़ेगा आपका, और इनका जो इमोशनल सपोर्ट है आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। सो व्हेन विल यू गेट मैरिड, आई फील नेक्स्ट 2 to 3 years में होगी। अगर आप बहुत यंग हो, आप लोग स्कूल कॉलेजेस में ही हो, तो फिर मेरे को लग रहा है 3 साल लग सकते हैं, बट अगर आप लोग अभी किसी यू नो हार्ट एक से गुजर रहे हो, देन इट कैन हैपन विद इन नेक्स्ट 2 years ऑल्सो। सो काफ़ी मुझे लग रहा है 2 से 3 साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी। येस देयर विल बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे प्रपोजल्स आने के। बुक नंबर 26, नंबर 26 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन जो है आपके लिए यू नो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह, एक वो यू नो अगर आप सोच रहे हो प्यार में दिल नहीं लगता है या प्यार से विश्वास ही उठ गया है, तो यू नो आप ये सोचो कि हर पर्सन जो है सेम नहीं होता, और ये हर पर्सन एक बुक की तरह है जिन्हें हम नहीं जानते हैं, सो वी स्टार्ट रीडिंग इट, देन वी रियलाइज़ कि हो सकता है वो बुक अच्छी हो सकता है वो बुक अच्छी ना हो, तो यू नो रीड अ बुक एंड देन डिसाइड, और अपीयरेंसेस पे जज ना करें। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप ये पर्सन
आई डोंट नो ज़्यादा गुड लुकिंग किसको कहेंगे या कम गुड लुकिंग किसे कहेंगे, बट ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन हो सकता है आपका कुछ और मन हो, जैसे यू नो हमें कोई और पसंद था, हमें तो कुछ और पर्सन चाहिए था शादी के लिए, हमारी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। सो कीप एन ओपन माइंड फ्रेंड्स, यू नो अपीरेंसेस से जज नहीं करें, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये पास्ट लाइफ से हैं, और हो सकता है आप इन्हें अपने ट्विन फ्लेम से या किसी पास्ट लवर से कंपेयर करें और आपको ये पर्सन ज़्यादा पसंद ना आए, बिकॉज यू नो इन दैट मैनर के ये तो वैसे नहीं है। बट आई थिंक नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो ये वो कहानी है जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, सो बी एक्साइटेड। लेटर, ओ वाओ, 26, 27 दोनों आया है। सो 27 भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, सेप्टेम्बर अक्टूबर भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो इस मंथ में आपकी शादी हो सकती है, सेप्टेम्बर अक्टूबर किसी भी ईयर के नेक्स्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में होगी। आई डू फील के ये पर्सन जो है आपको खुद अप्रोच करेंगे या वो खुद आपको पहले प्रपोज करेंगे, और सिंस लेटर की एनर्जी है तो लॉन्ग डिस्टेंस से लग रहा है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है आप सेम कंट्री सिटी से हों लेकिन एट द टाइम ऑफ मीटिंग आप दोनों ही अलग अलग जगहों पे हो। लेट्स सी एनी अदर एडवाइस। टाइम टू गो, नंबर 45। यस फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हो किसी नई स्टार्ट के लिए अपनी लाइफ में? अगर आप अभी भी किसी यू नो सैड नेगेटिविटी या ऐसे किसी पास्ट पर्सन से अटैच्ड हो तो टेक योर टाइम, अपने आप को हील करें आप, टेक योर टाइम। मैं नहीं कहूँगी कि आप रश करो अपनी हीलिंग को या बस अभी चल दो। अगर आप उनका वेट कर रहे हो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन जब सही वक्त आए तो आप आगे भी लुक मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। मिल्क एंड हनी, नंबर 51। यस आई डू फील ये बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग कनेक्शन होगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स इस पर्सन के साथ। और जो मटेरियल कंफर्ट्स हैं, जैसे आपको लगता है पैसा है, प्यार है, मोहब्बत है, एक अच्छा घर, एक अच्छी यू नो गाड़ी हो, लाइफ कंफर्टेबल रहे, हेल्थ हो, फैमिली हो अच्छी, यस ये वो सब आपको देंगे। इनफैक्ट आपकी आपको खुद मिलेगा, आप खुद अर्न भी करोगे और आप खुद यू नो अपने आप को भी दोगे। ये पर्सन भी आपको ये सब देंगे, क्या कहेंगे, कंफर्ट है, लव है, प्यार है, मोहब्बत है। लेट्स सी योर एडवाइस फ्रेंड्स, लेट्स सी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमिनेटिंग मून। सो यस फ्रेंड्स, आई डू फील आप लोग थोड़े बिजी चल रहे हो या काफ़ी सारी चिंताओं से परेशान हो, बिजी हो, काफ़ी सारा स्ट्रेस है, वरी है। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई नो कहना आसान होता है कि आप चिंता मत करो, बट चिंता करो, मैं कहूँगी कि ना आप एक बॉक्स बना लो चिंता वाला, उसमें सारी चिंता लिख के डाल दो, रोज एक दो पिक कर लिया करो कि आज 2-3 दिन में या गैप में हफ्ते में एक पिक करो कि आज इस पे सोचेंगे, तो उससे क्या है थोड़ी चिंता आपकी कम हो जाएगी। और एक साथ सारी जैसे आप 100 चिंता सोचो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो हाउ विल यू मैनेज इट, आपको 100 चिंता है, तो ऐसा ना करो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यस ये काफ़ी नेसेसरी है कि इस वक्त आप अपने आप पे फोकस करो, हील करो। अगर आप बहुत बिजी हो तो थोड़ा रिलैक्स करो। अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप से हील कर रहे हो या यू नो ब्रेकअप हुआ है तो उससे पूरा हील करो फ्रेंड्स। और हो सकता है कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कि भाई हमें मिल नहीं रहा कोई, हम बहुत टाइम से सिंगल हैं, हम जो आ रहा है उसी से कर लेंगे। नहीं, रिलैक्स करो आप, द राइट पर्सन विल फाइंड यू, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये देखिए फ्रेंड्स, कंफर्मेशन भी आया है कि आपको अपने जो भी चीज़ है, आपका जो भी यू नो ये ड्रीम है, जो इस शादी के अलावा जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे, बिकॉज आई थिंक समवेयर आपकी शादी उन ड्रीम्स से अटैच्ड है कि हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। सो यू नो यस आप अचीव करोगे, और इनफैक्ट आपकी शादी भी होगी, वो भी आप अचीव करोगे। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। एंड अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। और अभी के लिए मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये येलो वाला कार्ड चूज़ करा है तो चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी और किससे होगी, आज हम डिटेल में देखेंगे। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, येलो कार्ड है, और नंबर 4 जो है स्टेबिलिटी, फोर्थ हाउस भी मैरिज का ही होता है, घर का, फैमिली का। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं और एक्स्ट्रा एडवाइस है। चलिए देखते हैं आपकी शादी पहले किससे होगी, पहले अभी देखते हैं क्या चल रहा है, फिर देखेंगे किससे होगी और कब होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं एक ही रीडिंग में दे देती हूँ आपको।
सो लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ओ माय गॉड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी बिजी हो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, चिंता वरी हो सकती है आपको। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है, यू नो कि आप एफर्ट्स कर करके थक गए लेकिन कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही लाइफ में, या उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है सिचुएशन में। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि या तो आप लोग जो है यू नो कभी मैरिड रहे हो, या कोई एंगेजमेंट वगैरह हुई है जहां आपने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, वो काम नहीं आए, ऐसा लग रहा है। तो अभी भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से हर्ट हो, पे उसमें यू नो आपको अभी भी हर्ट है। ऑल्सो फील फ्रेंड्स, सिर्फ ये प्यार और मोहब्बत को लेकर चिंता नहीं है, आपको और भी तरह की चिंता लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी सारे यू नो टेंशन और लोगों की, जैसे आपको अपनी शादी की टेंशन नहीं है बट यू वॉन्ट टू गेट मैरिड ताकि आपकी फैमिली मेम्बर्स यू नो उनको सपोर्ट मिल जाए, या यू नो उनके पास कोई हेल्प आ जाए। यू नो जैसे होता है कई बार कि आप अकेले चाइल्ड हो तो आपको लगता है हम शादी कर लें तो एटलीस्ट उनको अच्छा लगेगा। एक्सपेक्टेशंस का भार काफ़ी लग रहा है आप लोगों पे। ओ गॉड, सो बट नंबर 10 की एनर्जी फ्रेंड्स बहुत अच्छी एनर्जी है, इसका मतलब कि चेंज हो जाएगा जल्दी से ये सिचुएशन। ये सब तकलीफें ऑलरेडी ख़त्म ही हो रही हैं आपकी, ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे हो आप जहाँ पे चीज़ें हेल्प आ रही है, रिलीफ आ रहा है और सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सो डोंट वरी। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। सो एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं यू नो आप डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है जैसे आप लोग पहले या तो मैरिड रह चुके हो, टाइल टू ज़्यादातर उन लोगों ने चूज़ किया होगा, या तो उनका कोई बहुत गहरा रिश्ता रहा है, शादी है, एंगेजमेंट है जो कि टूटा है या ख़राब चल रहा है, उस वजह से आप परेशान हो। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि यू नो आपकी फैमिली को बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी शादी से, यू नो इट इज़ लाइक आप पे एक अजीब सा वजन है कि भाई आप करो, आप जिससे शादी करोगे उससे ये होगा वो होगा, आप ऐसे कर लो तो आपकी फैमिली में ये होगा। सो कहीं ना कहीं फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एंड आपकी शादी बहुत एक आप पे वेट की तरह हो गई है, लेकिन ऑल्सो आपको समझ भी आ रहा है। यू नो आई ऑल्सो फील समवेयर के हो सकता है आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते थे बट हुई नहीं क्योंकि उनकी किसी और से शादी हो गई, यू नो वो उनकी शादी किसी और पर्सन से हो गई, तो वो भी वहाँ से भी आपको परेशानी लग रही है कि यू आर सैड कि ऐसा क्यों हुआ आपके, यू नो इट वाज लाइक डेस्टिनी ने क्या किया आपके साथ, यू नो समवेयर आपको एक रिग्रेट है, रिसेंटमेंट है। हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगर नहीं भी हो आप लोग तो भी इट इज़ लाइक कि आप लोग शादी अभी आप पे एक्सपेक्टेशंस का बाहर है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स हो, इस वजह से आप लोगों को शादी इज़ अ बिग डिसीजन, अ मेजर डिसीजन फॉर यू, लाइफ चेंजिंग डिसीजन, या यू नो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली इज़ अ लिटिल वरिड अबाउट कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे चल रही हैं, हो सकता है फोर्स उनकी तरफ से आ रहा हो, फैमिली की तरफ से रेदर देन आपकी तरफ से, यू नो कि जल्दी शादी कर लो या ये है वो है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स अभी काफ़ी आपके लिए एक इमोशनल टाइम पीरियड चल रहा है, आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो। ऑल्सो यू नीड, हो सकता है कोई एंडिंग या कोई चीज़ ख़त्म हुई है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसको आपको कोई इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स इस वक्त, बट आई डू फील वो आपको मिलने वाला है, इमोशनल है सपोर्ट, जो भी दोस्त है, फ्रेंड हैं, जो भी आप तलाश रहे हो आपको ज़रूर मिलेगा, बट राइट नाउ यू आर फीलिंग अ बिट इमोशनल। ऑल्सो आपका फोकस पास्ट पे काफ़ी है, यू नो पास्ट लोगों ने क्या किया, आप हो सकता है किसी को स्टॉक कर रहे हो जिनकी फ्रेंड्स शादी हो चुकी है, या आप करना चाहते थे पर उन्होंने किसी और से कर ली, सो यू नो यू आर लाइक ये क्या हो गया। आप अभी भी मेरे को लग रहा है वो और आप दोनों ही अपना सोशल मीडिया स्टॉक करते रहते हो। सो किससे होगी फ्रेंड्स आपकी शादी? आई फील कि आपकी शादी जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन से हो सकती है, या एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन से हो सकती है। आई डू फील आपकी शादी जिससे होगी उन दोनों में और आप में और उनमें थोड़ा एज गैप हो सकता है, आप बड़े या छोटे, यू नो आई डू फील कि या तो एज
एज गैप मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, बट ऑल्सो एक मेच्योरिटी का भी डिफरेंस है कि यू नो आपने या तो जैसे आपकी एक इन पर्सन की पहली मैरिज है, लेकिन आपकी या एक ब्रेकअप हो चुका है, या आप बहुत कम लिव इन में थे, बहुत क्लोज थे, मैरिज होने वाली थी बट नहीं हो पाई. सो यू नो एक मेच्योरिटी का डिफरेंस होगा इस कनेक्शन में, बिकॉज या तो एज का है या मेच्योरिटी का है. ऑल्सो आप दोनों ही सिमिलर नेचर के हो, जिससे आपकी शादी होगी. आप भी इमोशनल, वो भी इमोशनल. आप स्वीट, वो स्वीट. आप केयरिंग, वो भी केयरिंग. सो यस, आप दोनों काफ़ी सिमिलर नेचर के रहोगे, बट कंपेयर टू योर नेचर ये पर्सन जो हैं थोड़े से बचपने में हैं, थोड़े से यू नो यंग होंगे, आपसे यंग लुकिंग होंगे, और थोड़े इम्पल्सिव भी हैं. जैसे आप में बहुत एक पेशेंस है, एक धैर्य है. आई डोंट नो, इनका नाम भी धैर्य हो सकता है किसी का. आई फील धैर्य इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम. धैर्य या डी से नाम इम्पॉर्टेंट है, डी लेटर से. जैसे धीरज है, कोई डी एच से नाम इम्पॉर्टेंट है. आई डो फील फ्रेंड्स के ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, एक तो ये बहुत केयरिंग है, आपको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे. इट इज़ लाइक ये पर्सन जब आपसे पहली बार मिलेंगे, दे विल लाइक यू इंस्टेंटली. लेकिन आप थोड़ा सब्र वाले हो, ये थोड़े से उतावले रहेंगे कि लेट्स डू इट, लेट्स गेट मैरिड, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यू नो ये आपको चेज करने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर दैट. 10 of cups. येस, आई डू फील ये कनेक्शन आपको फैमिली के थ्रू मिलेगा, या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैट्रिमोनी साइट हैं, वहाँ से मिल सकता है. आई डू फील के हो सकता है आप दोनों जो हैं, आपकी जिससे शादी होगी, आप लोगों में ऑलरेडी यू नो आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को मोर और लेस जानती ही होंगी. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू आर डिस्टेंट कजिन्स या ऐसा कुछ है, आपकी उनसे ही शादी हो रही है. सो बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ये रिश्ता हो सकता है आपके मदर या फादर, यू नो, या आपकी मदर या इनकी जो आपके पर्सन है उनकी मदर के थ्रू आपको मिले. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग फ्रेंड्स. इनके लिए जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत केयरिंग है, बहुत फैमिली वैल्यूज़ उनकी बहुत स्ट्रांग हैं, और बहुत ही इमोशनल तरह के हैं वो. यू नो इमोशनल पर्सन हैं, जल्दी यू नो हर्ट हो जाते हैं, जल्दी हंस देते हैं, जल्दी से यू नो जस्ट लाइक हैप्पी किड जैसे होता है, एक छोटा बच्चा होता है, यू नो जैसे आप बोलो वो कर लेते हैं वैसे भी. तो वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस. ऑल्सो इनको बच्चे बहुत पसंद हैं, हो सकता है इनके ब्रदर सिस्टर्स के हों, तो यू नो ये ऑलरेडी देर इज़ अ चांस फ्रेंड्स कि हो सकता है आपके बच्चे हों या ये ऑलरेडी मैरिड हो रहे हों कभी, तो इनके भी हो सकते हैं कोई बच्चे वगैरह. सो इट इज़ फॉर सम ऑफ यू, 1% ऑफ यू, सबके लिए नहीं है ये, कुछ एक लोगों के लिए है, 1% लोगों के लिए. बाकी लोगों के लिए आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली कनेक्टेड है, यू नो जैसे घर के जो बच्चे हैं उनके साथ इनका बहुत बनती है, छोटे बच्चे. हाई प्रीस्टेस, येस, आई डू फील कि आप लोगों में बहुत ही इंटेंस इंट्यूटिव कनेक्शन होगा. आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल समझ जाओगे बिना कहे ही. वो एक गाना भी याद आ रहा है मुझे, बिन कहे बात सुन, यू नो बर्फी मूवी का वो गाना है, आई डोंट नो विच सॉन्ग इज़ इट, चांदनी चांदनी, यू नो वेट अ सेकेंड, बिन कहे बिन सुने बात हो, यू नो तेरी मेरी. सो बर्फी मूवी में वो गाना है, डोंट नो उस गाने का नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा. लेकिन आप लोगों में नो एक अनसेट कनेक्शन होगा, आप लोग आंखों आंखों में ही बात कर लिया करोगे. बहुत ही मीठा ये आपका रिश्ता रहेगा इनके साथ, और बहुत इंट्यूटिव रहेगा. यू नो जैसे अगर स्पेशली जैसे अगर ये कहीं और हैं, आप कहीं और हो, ये ऑफिस हैं, आप घर पे हो, तो यू विल नो कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो भी आपको, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कब गुस्सा आ सकता है या क्या. यू नो आप लोगों में एक अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि समझ नहीं सकते हैं. और जैसे जैसे रिश्ता और शादी बढ़ेगी उतना ही अच्छा आपकी रिलेशनशिप होगी. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरली हो सकते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, लग रहा है ये PhD करे हुए हैं, टीचर हैं, या यू नो आप दोनों ही ऐसे फील्ड से हैं, टीचिंग है. आप लोग दोनों ही क्रिएटिव भी हो सकते हैं, आर्ट है, मीडिया है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं. ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल हों या रिलीजियस हों, यू नो जैसे योगा वगैरह करते हैं, जिम और इंट्यूशन, यू नो टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं ये. सो इनका इंटरेस्ट हो सकता है, या आप दोनों की हॉबी हो सकती है.
ओ वाओ द एम्प्रेस, वाओ फ्रेंड्स, डेफिनेटली जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो आपको एक मलिका या यू नो एम्परर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, यू नो राजा या रानी की तरह, एंड वो खुद भी ऐसे ही हैं, बड़े उदार के, यू नो बड़े काइंड एंड उदार दिल के हैं। ऑल्सो मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी मदर, आपकी मदर या यू नो मदर इन द फैमिली आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों में एज गैप होगा तो वो उस चीज़ का हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, स्पेशली अगर वो आपसे यंग हैं तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, यू नो कि इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर टू घर में आपकी चलेगी इस शादी में, हमारे व्यूअर्स की चलने वाली है, क्योंकि दैट इज़ हाउ ये पर्सन है, उनको पसंद आता है कि उनको बताया जाए क्या करना है, आप क्या चाहते हो, कैसे करें, यू नो सो अल्टीमेट डिसीजंस विल बी हमारे व्यूअर्स के, सो वेल डन। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस आई डू फील ये पर्सन काफ़ी बिजी रहते हैं अपने वर्क और करियर के अंदर, काफ़ी यू नो हो सकता है इनके पास दो जॉब्स हों या मल्टीपल डिग्रीज हों, मल्टीपल टैलेंट्स हों, यू नो जैसे ये सिंगिंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो काफ़ी बिजी रहते हैं। आई फील कि ये कहीं सी वगैरह या सिटी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी है इनके आसपास, या आप लोग ऐसी जगह रहते हो, या हो सकता है अब्रॉड रहते हो ये कहीं, बट आई डू फील जब आपकी पहली मुलाकात होगी वो फेस टू फेस होगी और यू नो काफ़ी अच्छी जाएगी, लेकिन आई डू फील ये पर्सन बिजी बहुत रहते हैं, देर इज़ समथिंग अबाउट के बहुत बिजी हैं, और वो चीज़ आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी वर्किंग लग रहे हो, ये भी है, तो काफ़ी थोड़ा सा आप दोनों को बैलेंस आउट करने पड़ेंगे अपने शेड्यूल्स, क्योंकि दोनों ही बिजी हो। द हायरोफेंट, यस ये कनेक्शन फ्रेंड्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और अगर आपकी पास्ट में कोई शादी वगैरह टूटी है, यू हैव बीन थ्रू अ डाइवोर्स, या कोई ट्विन फ्लेम, या बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन से आपका यू नो दिल दुखा है, नहीं हो पाया, देर वॉज़ अ रीज़न फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है उस चीज़ का, और ये कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यू नो ओल्ड वर्ल्ड जैसे होते हैं, ओल्ड रोमांस जो कपल्स होते हैं ना पुराने, उसके जो बिल्कुल यू नो दे ग्रो ओल्ड टिल 80s 90s, साथ साथ ही रहते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, यू नो दे गो आउट टुगेदर, हमेशा उन्हें साथ रहना पसंद है, बिल्कुल आप लोग वैसे हो गए। ऑल्सो अनदर थिंग फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके वर्क कलीग हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों वर्क के थ्रू मिले हो, लेकिन अल्टीमेटली जो रिश्ता आ रहा है वो ऐसा है कि यू नो फैमिली के थ्रू ही आएगा, वो आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, आई फील फैमिली ही करेगी उनकी, और बहुत ही फेटेड होगा ये कनेक्शन, यू नो बहुत ज़्यादा फेटेड होगा, एंड आई डू फील कि आप दोनों की डेस्टिनी जो है इस मैरिज से कनेक्टेड है, और बहुत या तो नॉन फैमिली है, या यू नो आप दोनों की शादी के बाद आपको बहुत फेम और सक्सेस मिल सकता है। सो किंग ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा भी लग रहा है, लीब्रा भी हो सकते हैं, बट आई फील ये पर्सन जो है ये आपके पास्ट से भी हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, दे वेंट अवे विद समबडी एल्स ऐसा लग रहा है, लेकिन जो आपके लिए आ रहे हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी पाइल नंबर टू, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऐसे लोग पसंद करते हो जो यू नो डोमिनेटिंग हैं आप पे ऊपर, या यू नो बहुत पावरफुल हैं, आपको ऐसे लोग पसंद हैं, बट आई थिंक आपको अपोजिट जो पर्सन है वो सूट करेंगे, इन द सेंस जैसे ये पर्सन जो है वो काफ़ी यंग हैं, हसमुख हैं, सीरियस हैं, लेकिन यू नो बट हंसते रहते हैं, लाइटली लेते हैं चीज़ों को, और आपको एक आगे यू नो आपको आगे एक लीडर की तरह रखेंगे, सो दैट विल बी मच मच बेटर आपके लिए ये मैरिज जिससे होगी, क्योंकि आपकी मैरिज ऐसा लग रहा है आपकी जो पुरानी मैरिजेस थी या रिश्ते थे वहाँ पावर स्ट्रगल्स लग रहे हैं, आप भी लीडर हो फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स, और ये पर्सन जो पुराने लोग थे वो भी आपके साथ लीडरशिप में थे, तो यू नो पावर का स्ट्रगल था कि कौन इस रिश्ते को चलाएगा, तुम चलाओगे मैं चलाऊंगी। पर इस शादी में आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उनका फिक्स्ड है, आप चलाओगे मैं सुनूंगा। ये पहले ही बोल देंगे सॉरी आपको। सो मैजिशियन, वाओ, आपकी शादी कब होगी फ्रेंड्स? पहली चीज़ तो ये है कि आपकी शादी ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के कहने पे होगी, आप उनके लिए कर रहे हो फॉर सम वे और दी अदर। ऑल्सो
आपकी शादी यू नो आप जब चाहोगे जब हो सकती है, बिकॉज द मैजिशियन इज़ लाइक आपकी शादी आप जब भी प्रे कर रहे हो या दुआ कर रहे हो जब ही हो जाएगी। अगर आप चाहते हो थोड़े टाइम में हो, थोड़े टाइम में होगी। अगर आप चाहते हो कि जस्ट जल्दी से हो जाए, तो आई डू फील येस विद इन द नेक्स्ट 1 month, नेक्स्ट 4 months चांसेस बनेंगे, प्रपोजल्स आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स येस, या तो आपकी शादी बहुत जल्दी से हो जाएगी विद इन 1 month और 4 months में प्रपोजल्स आएंगे, आप इनसे मिलोगे। हो सकता है डेट्स फाइनल बाद में हो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे विद इन 1 month और 4 months। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम और चाहिए, सो मे बी इट फील्स लाइक कि आपकी शादी 1 year में हो सकती है या फिर 5 years में होगी। सो 1 month, 4 months, 1 year या नेक्स्ट 5 years में होगी। सो येस, दैट इज़ द एनर्जी, बट मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगी फ्रेंड्स। इट्स लाइक यू नो चट मंगनी पट ब्याह की नंबर 33। सो 33 इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोगों की एज हो या इस पर्सन की एज है जब आप लोग मिलेंगे हाउस की। आई ऑल्सो फील के ये आप लोग जो है बहुत ही अच्छा सुंदर घर वगैरह खरीदेंगे या बनाओगे एक साथ, यू नो घर है, बहुत ही अच्छी गाड़ी, एक्सपेंसिव गाड़ी वगैरह। सो येस देर इज़ दैट एनर्जी एंड द हाउस। वाह, ये देखिए फ्रेंड्स नंबर फोर, वाह सिंक्रोनिसिटी। ये देखिए फ्रेंड्स, लेट्स ये देखो, फोर नंबर, हाउस और हाउस दोनों ही। ओके हाउस, आई डू फील फ्रेंड्स के हो सकता है या आपके घर के आसपास रहते हो, तो आप दोनों के या आपके इन-लॉज आपके घर के आसपास रहते हो या आप उन्हीं के आसपास सेटल हो गए, यू नो कि आपस में मिलते रहेंगे, अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। आई डू फील के आप लोग जो है एक साथ मिलके घर ज़रूर बनाओगे, या आप ऑलरेडी यू नो आपका ऑलरेडी घर है, तो यू नो दिस पर्सन विल बी फिट इन परफेक्टली उसमें, उस घर के अंदर। सो दैट एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांगली देयर। ऑल्सो ये नेबर हो सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों के लिए, यू नो जो आपको वर्क से मिले हैं, आप कहीं ऑलरेडी जैसे वर्क करते हो या तो वहाँ पे थे, स्टडी करते हो वहाँ पे थे। थिंकर नंबर 44। सो 33, 44, 333, 444 इम्पॉर्टेंट हैं, आपको काफ़ी दिख रहे होंगे, तो ये आपको एक साइन है कि येस एंजल्स और यूनिवर्स आपको सुन रही है, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको अभी अकेलापन महसूस हो रहा है, सो यू आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, येस एंजल्स एंड यूनिवर्स इज़ विद यू। थिंकर, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, और जिनसे आपकी शादी होगी वो काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हैं, यू नो जैसे छोटे छोटे जेस्टर्स, यू नो फ्लावर्स देना, लेटर्स लिखना, यू नो छोटी चीज़ें। ऑल्सो ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि आप लोग अभी किसी स्टक हो किसी पास्ट पर्सन पे, आप ऑब्सेस्ड हो उस पास्ट पर्सन को लेके, यू नो बार बार उनको सोचना कि उन्होंने क्यों धोखा दिया, क्यों छोड़ दिया, ये सब। तो ये भी एनर्जी है। पॉइज्ड नंबर 48। यस, आई डू फील फ्रेंड्स ये जो आपकी शादी होगी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेके आएगी आपकी लाइफ में, एक आपको अपनी लाइफ में प्रेज, यू नो एक तरह से प्राउड फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो फाइनली ये हुआ और अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की वो सब भी कम हो जाएंगी आप पे। सो यू विल फील लाइक फाइनली आज़ादी। पहली बार सुना है मुझे शादी करके कोई आज़ाद हुआ हो, आप हो रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक जो मैरिजेस आप या रिश्ते में रहे हैं आप, वो पावर स्ट्रगल्स बहुत थे वहाँ फ्रेंड्स, यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे। सो आपको लगेगा वाह क्या आज़ादी है। चलिए एडवाइस देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, येस आई डू फील आप लोगों के अभी थोड़ा सा हाई इमोशंस हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने दोस्तों से बात करें, यू नो फ्रेंड से बात करें, अकेले ना रहें। ऑल्सो जो पास्ट में हुआ है, इट हैपन्ड बिकॉज देर इज़ अ रीज़न फ्रेंड्स, डोंट वरी। आप वो रीडिंग देख सकते हो, आपको कौन कॉल करने वाला है, वो मैंने मेरी दूसरी चैनल पे की है, मैजिक वेंस टैरो पे, लिंक टाइम स्टैम्प्स में है, वो रीडिंग हेल्प करेगी। ऑल्सो हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, वो भी आपको हेल्प कर सकती है। सो आप दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसा इमोशनल आपको लग रहा है कि पास से आ जाएंगे, उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आपको कोई दोस्त की ज़रूरत है। सो कौन कॉल करेगा वहाँ से देख लो, पता चल जाएगा। Your commitment is being tested first quarter moon, so yes, I do feel के friends अभी आपको ऐसा लग रहा है कि
रिश्ते मुश्किल हैं, आप अकेले हो और पता नहीं कब शादी होगी, आप ऑलरेडी मैरिड यू नो हो सकते हो, आपकी शादी उसमें ठीक से नहीं चल रही है, डाइवोर्स वगैरह के इश्यूज हैं, तो यू आर लाइक सब्र का इम्तिहान ले लिया है, इम्तिहान हो गई, इंतज़ार की आई ना कोई खबर मेरे यार की, ऐसी एनर्जी लग रही है। बट फ्रेंड्स द थिंग इज़ के आपके जो आपने जो भी अभी तक हार्ड वर्क किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे किसी पास्ट रिलेशनशिप में किया हो या अपने पेरेंट्स के लिए आप कर रहे हो, उनकी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, वो सब वेस्ट नहीं जाएगा फ्रेंड्स, आपको उसका पूरा जस्टिस और रिवॉर्ड मिलेगा। और अभी के लिए तो फ्रेंड्स इतना ही, मैजिक वेंसडे रो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो। फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो सैड, इतने इस बुरे टाइम में भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, कब करोगे, जल्दी जल्दी कर लो। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट वेबसाइट्स, थोड़ी कम रीडिंग्स कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं अभी, बिकॉज काफ़ी सारा काम हो जाता है पर्सनल रीडिंग्स, पुराने ही ऑर्डर्स फिनिश हो रहे हैं, बट स्टिल आप ईमेल कर लो, आई विल गेट बैक टू यू वेरी जल्दी से। और अभी के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मिस्टेक सी सिंह, बाय बाय।